लड़कियां देखते देखते सुबह हो जाती है, एक से एक हूर परियों जैसी। क्या बात कर रहा है? हाय व्हाट्सअप। पेड़ है अंकल। अरे इस तरह से लड़कियों को छेड़ोगे तो सैंडल पड़ेंगी। सच्चा आशिक सैंडल खा के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये फूल मुझे देना। हेलो। थैंक यू। ओह ओनली थैंक यू। फूल ले लिया मुझसे, अब अपना टेलीफोन नंबर तो दे दो। क्या? कोई बात नहीं, तो मेरा नंबर ले लो। ओके ओके, फेसबुक आईडी दे दो, हम वीडियो चैट करेंगे। क्यों बे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे डैडी का नाम क्या है पता है? इंस्पेक्टर दया। इंस्पेक्टर दया? मोहन मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। हेलो, इस एरिया में बहुत से इंस्पेक्टर आए लेकिन उल्टे पैर चले भी गए, लेकिन आज तक कोई मुझे टच भी नहीं कर सका। अभी बताती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, तुमसे कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर की बेटी के पास मोबाइल नहीं होता क्या? फेसबुक पे अकाउंट नहीं होता क्या? उसका चैटिंग करने का दिल नहीं करता? बोलो, उसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बनाना हूँ। कौन बे? अधिकारों का संविधान लिख के लाया हूँ। रोमियो, तुम उससे चैटिंग करना चाहते हो? पुलिस स्टेशन चलो, मैं तुम्हारी पाव रोटी इस तरह सुझाऊंगा कि बैठ नहीं पाओगे, उठ उठ के चैटिंग करोगे और बर्फ से सेकोगे। आप कौन है? रिश्ते में इसका माई बाप हूँ। अबे तू क्या समझा था कि मेरी बेटी पे लाइन मार के तू उसे पटा के ले जाएगा बिना मेरे कुछ कहे? हाँ? ए, इसे डाल अंदर। चलो अंदर बैठो। सुबह सुबह हवा खाने निकले थे, अब हवा और लाभ दोनों खाना। आप फ्लैशबैक से रियलिटी में आ जाओ। इस उम्र में जब कन्यादान करना चाहिए, ये खुद कन्या ढूंढ रहे हैं। अरे सर, ये खुद के लिए नहीं कर रहे थे, पार्टनर ढूंढ रहे थे। पार्टनर? अरे ये क्या क्रिकेट की ओपनिंग करने जा रहे जो इन्हें पार्टनर चाहिए? क्रिकेट का ओपनिंग पार्टनर नहीं अंकल, हमारे दोस्त के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लाइफ पार्टनर ही ढूंढना है ना, तो ब्यूटी पार्लर में जाओ या गूगल पर सर्च करो यार। सरेआम लड़की चप्पल मार देती तो इनकी क्या इज्जत रह जाती? चप्पल तो मैं पहले भी खा चुका हूँ सर। मैंने इसके लिए बहुत सी लड़कियाँ देखी पर इसको कोई पसंद ही नहीं आती, इसलिए सड़क तो उतरा है सर। अब आप ही समझाइए ना सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, हर इंसान को एक वक्त के बाद शादी कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसे कर कर मैं भी पछता रहा हूँ, इसलिए तुम भी जल्दी से शहीद हो जाओ। समझा दिया, ले जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप सुधरने का क्या लेंगे? जब तक तुम्हारी शादी नहीं करवा देता तब तक नहीं सुधरूंगा। या तो तुम पसंद कर लो या मैं पटाता। आपकी चॉइस से मेरी चॉइस अलग है, तो क्या करूँ? ओए ओए ओए, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सारी मुंबई में चली आई हैं। तुझे क्या मूंछों वाली लड़की चाहिए? नहीं अंकल, इसे तो मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस अर्थ, इस तरह की लड़की चाहिए। एक साथ इतनी लड़कियां? शादी लाइफ टाइम के लिए होती है, पहले प्यार होना चाहिए फिर शादी। टाइम तो लगेगा ना। तो ठीक है, प्यार करना है तो शादी के बाद करना। तुम लोग इसे समझा दो, जल्द से जल्द शादी कर ले। अगर आपको जल्दी है तो आप कर लो, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे कैसी लड़की चाहिए वो बता, नहीं तो वो हर लड़की के पीछे भागते रहेंगे। यार तू तो समझने की कोशिश कर, उसे देख के दिल के अरमान जागने चाहिए। बेटा शादी कर लो फिर अरमान जगाते रहना। उसे देखो तो मेरे बदन में बिजली दौड़नी चाहिए। 4 दिन से बिजली को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाती। अरे तो चुप कर, यू कंटिन्यू बेटा, यू कंटिन्यू। उसे देखकर बॉडी वाइब्रेट हो, दिमाग की घंटी बज जाए, वो भी 3D इफेक्ट में। बच गई। वो इतनी स्लिम हो कि मैं बार बार उठाऊं। उठा ले। लगता है ये कुंवारा ही मरेगा। लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? टेंशन मत लो, दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी। भाई को डिस्को में ले जाना पड़ेगा ताकि दिमाग ठंडा हो सके। बाप रे श्रुति, डांस करते करते थक गया। जिंदगी के 2 घूंट पीते हैं। ओके। ओह गॉड, आज कितना एंजॉय किया ना अंकल। लाइफ में ना हो शोर तो आदमी होता है बोर। फल खाओ, चिंता छोड़ो। देखो 5 स्टार का कूपन, डिनर फॉर 2। अंकल हमने जोश में होश खो के अपने नाम पर ड्रिंक्स तो मंगवा ली, पर अब इनका बिल कौन भरेगा? हमें लोकपाल बिल थोड़ी भरना है, फ्री में पीने का मजा ही और है। हेलो बॉस, मिल गया आज का मुर्गा। हेलो कौन? आप कौन सा बोल रहे हैं? हेलो शाहरुख खान बोल रहा हूँ। क्या शाहरुख खान? क्या आप असली वाले हैं? असली वाले बोल रहे हैं? यस सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान। सारा जमाना हसीनों का दीवाना। खान साहब बोलिए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पब में है, मुझे पता है। उसके ग्रीन और रेड कपड़े देखकर तुम उसे तोता समझ रहे होंगे। मैडम तोता नहीं, मैना है। पर वो जिनके साथ आई थी वो बिल्कुल उल्लू जैसा है। उनसे पैसे मत लेना, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। टिप्स में टिप नहीं चाहिए, मैं आपका फैन हूँ। आपके जाने मन मेरी जाने मन है, फैन का भी हक बनता है। मेरे फैन हो तो उसके साथ है खूबसूरत नौजवान है, उससे भी पैसे मत लेना। इतनी टिप दूंगा कि आज के बाद तुम्हें होटल में काम करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं भी होटल के मैनेजर को दिखा दूंगा मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ। आपका फैन हूँ सर, कोई छोटी औकात थोड़ी मेरी। जल्दी ऐसी फोन रख, मेरा IPL का मैच शुरू हो रहा है। ठीक है खान साहब, आप फोन रखना चाहते हैं? ए वेटर, कितना वेट करवाएगा? बिल देना है। आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं, खान साहब ने फोन कर दिया है, बिल वही चुका देंगे। वो क्यों हमारा बिल देगा? पहले दिल देता है, बाद में बिल भरता है। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? उस दिन मैंने उससे साइकिल मांगी तो उसने मुझे 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दे दी। उसे इतना भी नहीं पता कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। 50 लाख की गाड़ी? अरे सर, खान साहब के लिए 50 लाख क्या चीज है? 50 लाख की गाड़ी तो ठीक है, पर उसे लाने वाले ड्राइवर को 5 लाख टिप देने की क्या जरूरत? मैडम रुकिए तो, आप नाराज मत। अरे देखिए खान साहब आने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? वो लड़की कौन थी? सर वो खान साहब की गर्लफ्रेंड है। अभी खान साहब आएंगे और पूरा बिल चुका देंगे। अरे कौन खान साहब? कौन खान साहब? अरे मैं उन्हीं खान साहब की बात कर रहा हूँ, मुल्कों की पुलिस जिन्हें तलाश रही है, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं कभी का नामुमकिन हो चुका है। और आप पूछ रहे हैं कौन खान साहब? कल शाहरुख खान साहब यहाँ आएंगे और आपका पैसा आपके मुंह पे। अबे गधे, शाहरुख खान यहाँ कैसे आएगा? वो तो करण जौहर के साथ लंदन में शूटिंग कर रहा है। उन दोनों को लेकर आओ। वो लोग ऊपर है। बैंगलोर से आए हुए लोग किधर है? 1 मिनट, 205 में। भाई वो लोग बच के भाग गए। आज भले ही शंकर के चमचे मेरे हाथों बचकर भाग गए, लेकिन वो मरेंगे तो मेरे ही हाथों। ICICI बैंक शो। ऐसे कैसे बेटा? ये देख मेरे पास एक्सिस बैंक है। पापा आपके किसी भी कार्ड में तो पैसे है ही नहीं। बेटा सैलरी आने से पहले तुम्हारी मम्मी की लंबी सी शॉपिंग लिस्ट आ जाती है। तो कौन सा गुना कर दिया मैंने? हाँ, तुम्हारी शॉपिंग की वजह से ठन ठन गोपाल हो गया हूँ मैं। घर में राशन है नहीं और तुम्हें फैशन की पड़ी रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो घर चलाने के लिए नुक्कड़ में डोसा बेचना पड़ेगा मुझे। लो तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, रिकवरी वाले, पीछे से कल्टी हो जाता हूँ। लगाना जोर का झटका, मैं हमेशा पीछे से आता हूँ। बेल बजाई आगे से और आए पीछे से। इंसानियत से विश्वास उठ गए। अब तू भी उड़ जाएगा। गाला के कर चमाट मारनी है तो मुझे चमाट मारेगा। स्टोर रूम में फ्रिज रखा है, उसे भी लेके चले जाओ। शॉपिंग ले गए होते तो ये नौबत नहीं आती। मेरे साथ चलो ना। ए भाभी माँ होती है। सॉरी आप महान है। आज देखा मेरी किस्मत। उंगली छिल गई सर। शुक्र है तूने छिला। भाई लगता है मलिंगा ने कुछ पी लिया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मलिंगा नाम का पेशेंट, तीसरा बेड। चल चल मलिंगा, मलिंगा। ये तो अब तक जिंदा है। अबे मरना ही था तो नेल पॉलिश क्यों पिया? प्यार में धोखा। प्यार में? हाँ प्यार में नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। जैसे नेता लोग जीतने के बाद लूट लेते हैं, वैसे ही वो लड़की अपने सारे बिल भरवा कर मुझे लूट गई। अरे रे रे रे, खुलकर बता ना। टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए टाइम पास के लिए मैं कॉफी शॉप में गया। अरे कोई है? मैं हूँ ना। उल्टी टोपी बोल, जली तंदूरी रोटी, ब्लैक कॉफी लेके आओ। कालों के लिए ब्लैक कॉफी। मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, चाहे वो काला हो या गोरा। पागल हो क्या? क्या बक रही हो तुम? लड़कियों को कभी कोई चीज पसंद नहीं आती। एक जोड़ी चप्पल लेनी हो तो बोलती हो कि दोनों चप्पल का कलर सेम है, एक दूसरे कलर का दिखाओ। अंकल क्या है? आपको लगता है मुझे मेरी पसंद का लड़का नहीं मिलेगा? पसंद का चप्पल नहीं मिलता, लड़का कहाँ से मिलेगा? वो यही कहीं है। अच्छा कौन है वो देखिए वहाँ बैठा है। वो लड़का तो कड़का लगता है, आदमी कम कोयला ज्यादा लगता है। तुम दाल वो दाल में काला, ये कैसा मैचिंग झाला। अपने गोरे बदन पर मैं उसे काले तिल की तरह सजा लूंगी। देखिए उसकी नशीली आंखें, चमकीली स्माइल। उसकी सिर्फ आंखें और दांत ही व्हाइट है, बाकी सब टाइट है। तुम दोनों की शादी हो गई तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना आ जाएगा। तो फिर मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। श्रुति ऐसा मत कहो। श्रुति नाइस नेम। ये बकवास नहीं है, आप सब उसका आउटर लुक देख रहे हैं, मेरी नजर उसकी इनर ब्यूटी देख रही है। बनियान तो पहनी नहीं, क्या दिख रहा है? एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ आप ही तो हैंडसम है यहाँ। आप मैरिड तो नहीं है ना? अगर हुआ तो भी डिवोर्स ले लूंगा, चप्पल से मारूंगा साले को। देखा अंकल, इसी को लव कहते हैं। आई लव यू। मुझसे लव? ओ गॉड थैंक्स अ लॉट। क्या रे घंटी बज गई क्या? यहाँ घंटा बज रहा है। भूर के साथ लंगूर भूल जा। सर मेरे कलर पर मत जाइए, अपने अकल लड़ाइए। सोचिए हम दोनों के बच्चे कितने कलरफुल होंगे, रंग बिरंगे। प्लीज प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्यार कलर नहीं देखता, जात पात और धन दौलत नहीं देखता। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अबे चला। पेन पेपर कॉल करना, हाँ खाने का बिल भी भरना, हाँ लाइट बिल भी भर दूंगा, मोबाइल बिल भी भर दूंगा। यस उस लड़की का मेरी जिंदगी में आना रेगिस्तान में कमल के फूल खिलने जैसा था। जो शख्स आईने में देखने से डरता था, आज उसने अपना घर आईनों से सजा दिया। मैसेज। रात भर चैटिंग, दिन भर शॉपिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। फेसबुक में रणबीर का फोटो हटाकर अपना थोपड़ा चिपका दिया। आई लव यू, आई लव यू टू 3 4 5। अंकल को खुश करना है तो डबल डोर का फ्रिज गिफ्ट कर दो। हाँ ये ज्यादा हो रहा है। उल्टा कम है, प्यार का मारा अकल का अंधा। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो मेरी जान कि अपने अंकल को खुश करने के तरीके मुझे बता रही हो। मैं तेरी लैला हूँ काले मजनू। मेरे अंकल को पटाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते जानू। अंकल को पटाने के लिए दे दो होम थिएटर। बस अंकल के बारे में सोचोगी। तुम्हें क्या चाहिए? मोहे नेल पॉलिश दे दो, मोरे कोयले राजा।